नमस्कार, टीवी न्यूज की खास खबरों में आपका स्वागत है। भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के जमीन में दफन कई टन जहरीले कचरे का मुद्दा एक बार फिर से दिल्ली में उठा हुआ है। शनिवार को दिल्ली में हुए मानव अधिकार दिवस कार्यक्रम में इस मुद्दे पर बात की गई। NHRC के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा ने कहा कि भोपाल गैस त्रासदी के स्थल पर कई टन खतरनाक और जहरीला कचरा पड़ा हुआ है। इसके खात्मे में हो रही देरी से भूजल और मिट्टी दूषित होती है, जो स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य के अधिकार का सीधा दुरुपयोग है। भोपाल गैस त्रासदी ठीक 37 साल पहले हुई थी। 2 से 3 दिसंबर 1984 की वो रात जब यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के एक टैंक में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस रिस गई थी। चारों ओर भगदड़ मच गई। फैक्ट्री के आसपास के इलाकों में लाशें बिछ गई। चारों ओर लाशें ही लाशें थी, जिन्हें ढोने के लिए गाड़ियां कम पड़ गई थी। चीखें इतनी कि लोगों को आपस में बातें करना मुश्किल हो रहा था। हजारों मौतें हुई और अब भी लोग कई बीमारियों से पीड़ित हैं। मुआवजे के मुद्दे पर भोपाल से लेकर दिल्ली तक प्रदर्शन हो रहा है। उधर फैक्ट्री में दफन कई टन जहरीले कचरे के खात्मे को लेकर ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। इसे लेकर मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष ने सवाल उठाए हैं। और भी खास खबरें जानने के लिए जुड़े रहें टीवी न्यूज़ में।